नमस्कार, आप देख रहे हैं पटना न्यूज 24 लाइव। बड़ी खबर बगहा से है, जहां गन्ने के खेत में अचानक आग लग जाने से करीब आधा दर्जन किसानों के फसल जलकर नष्ट हो गया है। वहीं इस आग में करीब 2 एकड़ गन्ने की फसल जलकर बर्बाद हुआ है, जिससे किसानों को लाखों की क्षति हुई है। पूरा मामला बगहा पुलिस जिले के चौतरवा थाना क्षेत्र की है, जहां थाना क्षेत्र के बसवरिया पंचायत के वार्ड नंबर 3 व 4 के बीच सरे में अचानक गन्ने की खेत में आग लग गई और देखते ही देखते आग खेतों में काफी तेजी से फैल गई, जिसने तकरीबन 2 एकड़ गन्ने की फसल को जलाकर बर्बाद कर दिया। वही आग लगने की इस घटना की पुष्टि बसवरिया पंचायत के मुखिया रोशन तिवारी ने की है। स्थानीय लोगों ने बताया कि सरे में उठ रही आग की तेज लपटों को देख मुखिया को सूचित किया गया, जिसके बाद मुखिया ने फौरन अग्निशमन को सूचित किया, किंतु अग्निशमन के पहुंचने से पहले ही खेतों में लगी गन्ने की फसल जलकर नष्ट हो गई थी। हालांकि अग्निशमन की टीम और स्थानीय लोगों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। मुखिया रोशन तिवारी ने बताया कि आग लगने से पंचायत के आधा दर्जन किसानों के गन्ने की फसल जलकर पूरी तरह से बर्बाद हो गई है, जिसमें पीड़ित किसान राजमोहन हाजरा, दिनेश विश्वास, अनिल विश्वास, विश्व अधिकारी ज्ञानेंद्र विश्वास तथा सुशील सिंह शामिल हैं। वही मुखिया ने पीड़ित किसानों को हुई इस भारी क्षति के लिए आपदा विभाग से उचित मुआवजे की मांग किया है। साथ ही मुखिया ने कहा कि थाना क्षेत्र में आए दिन आग लगने की छोटी बड़ी घटनाएं होती रहती है, अगर चौतरवा थाना में अग्निशमन की व्यवस्था होती तो शायद इतनी बड़ी घटना पर काबू पाया जा सकता था। उन्होंने प्रशासन से चौतरवा थाना में अस्थायी रूप से अग्निशमन की मांग किया है।